हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से हैवी साइज़ की शलवार की कटिंग बताऊंगी। सिर्फ एक बार ही आपको कपड़ा रखना है और हैवी साइज़ की शलवार की कटिंग बताऊंगी सिर्फ 2 मीटर फैब्रिक में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 2 मीटर फैब्रिक लिया है कॉटन का, आप कोई भी फैब्रिक ले सकते हो। तो यहाँ पर मैंने देख सकते हो डबल फोल्ड किया है कपड़े को और जो किनारी साइड है वो अपनी तरफ ली है। तो किनारी साइड से मैं इसको डबल फोल्ड कर रही हूँ पट के लिए, जो कि हमारे कुंदे होंगे पट, वो यहाँ से हम निकालेंगे। तो कुंदों के लिए हमने यहाँ पर 6 इंच कपड़े को फोल्ड करना है। देखिए, मैंने यहाँ पर 6 इंच जो हमारे पट होंगे 6 इंच, उसके लिए यहाँ पर फोल्ड किया है कपड़े को जो किनारी साइड है। उसके बाद फ्रेंड्स, मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगी इसके निशान लगाने। यहाँ पर मैंने ये मार्जिन का निशान लगाया है। उसके बाद देखिए, बेल्ट के लिए हमें इंची टेप को आगे की तरफ निकालना है 5 इंच। बेल्ट के लिए इंची टेप को आगे की तरफ निकालेंगे 5 इंच। उसके बाद हम इसके लेंथ के निशान लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसकी जो लेंथ है वो है 37 इंच। आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। मोहरी हम अलग से लगाएंगे क्योंकि इसमें चौड़ी मोहरी लगानी है। तो 1/2 इंच हमने नीचे से मार्जिन का छोड़ दिया है, तो 1/2 इंच ऊपर रहेगा मार्जिन इसका, 1/2 इंच नीचे रहेगा। देखिए, 5 इंच ऊपर की तरफ निकाला हमने। उसके बाद 37 इंच हमने यहाँ पर लंबाई के निशान लगाए हैं, 1/2 इंच नीचे मार्जिन लिया है। और फ्रेंड्स, या आप डायरेक्टली इस तरीके से भी लगा सकते हो। यहाँ पर मैंने 32 इंच के निशान लगाए हैं और 5 इंच इसमें बेल्ट हो जाएगी, टोटल 37 इंच हो जाएगा। यहाँ आप इस तरीके से इंची टेप रखकर भी 5 इंच इसमें से माइनस करके जो भी आपकी लेंथ है लगा सकते हो। 5 इंच हमने बेल्ट का माइनस कर दिया। मोहरी हम इसमें अलग से लगाएंगे। अब इस साइड में हम यहाँ पर आसन का निशान लगाएंगे। ये हमारी सिलाई का मार्जिन लगा लिया हमने और 5 इंच इंची टेप को ऊपर की तरफ निकाला और 15 इंच पे हमने आसन का निशान लगा लिया। ये देख सकते हो आप, 15 इंच पे हमने आसन का निशान लगाया। या आप डायरेक्टली आसन का निशान इस तरीके से लगा सकते हो 10 इंच पर। तो फ्रेंड्स, हैवी साइज़ की सलवार है तो मैं इसका 15 इंच पर आसन का निशान लगा रही हूँ। आप 13 या 14 भी लगा सकते हो। अब आसन से लेके और यहाँ जो पट पे जो हमने मोहरी का निशान लगाए हैं, तो यहाँ पर हम इंची टेप को रखते हुए इस तरीके से कली के निशान लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके 6 इंच ही मोहरी रहेंगे रेडी। तो यहाँ पर देखिए, हमने इस तरीके से इंची टेप को तिरछा रखते हुए कली के निशान लगा लिए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कली के निशान हमने लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ से हमने इंची टेप को ऊपर की तरफ निकाला 5 इंच और 37 इंच पूरी लंबाई ली। या आप डायरेक्टली इस तरीके से लगा सकते हो 32 इंच। अब हमें यहाँ से पट नापने हैं कि हमारे पट्टी तैयार कितने हैं। 1/2 इंच ऊपर और 1/2 इंच नीचे मार्जिन है, तो ये है 33 इंच, यानी कि 33 इंच। तो इस दूसरी साइड की कली भी हमारी 33 इंच होनी चाहिए। यहाँ पर हमारा जो एक्स्ट्रा है वो हमने निशान लगा लिया। 33 इंच की कली होनी चाहिए इस साइड की भी। अब यहाँ पर हमने आसन का निशान लगाएंगे 10 इंच का। ये देखिए, इस तरीके से हम जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ पर हमने निशान लगा लिया 10 इंच आसन के। ये देखिए, दो कली हमारी इस साइड है। जो कपड़ा है साइड वाला, इसमें से हमारी बेल्ट निकलेगी। अब करते हैं फ्रेंड्स हम कटिंग। तो फ्रेंड्स, सिर्फ आपको एक बार ही कपड़ा रखना है और एक बार कपड़े रखने में ही आपकी शलवार की कटिंग हो जाएगी। आपको बार बार कपड़े उठाने की नहीं होगी। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने कली की कटिंग कर ली है। ये हमारी कली कट कर तैयार है। अब ये देखिए, हमारे जो साइड में कली है, इस कली को हम उठाकर इस कली के ऊपर रख देंगे। तो यहाँ से हमने जो कपड़ा साइड में निकल रहा है, ये बेल्ट बनाएंगे हम इसमें से। तो फ्रेंड्स, ये देखिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसकी कटिंग कर देंगे बाद में। अब इस कली को हम उठाते हुए इस कली को और इसके ऊपर रख लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमने कली के ऊपर कली रख ली है और बिल्कुल बराबर कली आई है, ना ही इसकी छोटी है ना बड़ी है। और ऊपर से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हमारा 1 इंच का, वो छट जाएगा बाद में। पहले कली को नापें, उसके बाद कपड़े की कटिंग करें। तो फ्रेंड, बहुत सिंपल तरीके से इस तरीके से आप शलवार की कटिंग कर सकते हो। सिर्फ आपको एक बार ही कपड़ा रखना है। अब जो हमारा ऊपर साइड में 1 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा था, 1/2 इंच का, उसको हम इस तरीके से निशान पर ही कटिंग कर देंगे। अब जो हमारा साइड में नीचे की तरफ कपड़ा बचा है, जो कि मोहरी के साइड में कपड़ा बचा है, उससे हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो ये कपड़ा है हमारा, इसको हम ओपन कर लेंगे। पहले मैं आपको इसको ओपन करके दिखा रही हूँ, वरना आपको होगा कितनी छोटी सी बेल्ट है। ये देखिए, इस तरीके से हम उसको ओपन करना है। अब इसको हम डबल कर देंगे। ये देखिए, अब इसमें देखिए, इसकी जो लंबाई है, चौड़ाई हमारी 21 इंच तैयार रहेगी। हाँ, 1 इंच का मार्जिन रहेगा दोनों साइड से, 5 इंच लेंथ है बेल्ट की और 2 इंच का हमारा ऊपर की तरफ मार्जिन है। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके से हमारी बेल्ट भी तैयार है। कुछ सिंपल तरीके से बेल्ट भी तैयार हो गई है और हमें इसमें कहीं से भी कपड़ा एक्स्ट्रा भी नहीं बचा है। पूरा कपड़ा हमारा सलवार में आ गया है और हैवी साइज़ की शलवार बनी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसकी स्टिचिंग की वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।